नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप लोगों का स्वागत है श्वेता क्रिएशंस पे। तो आप लोगों ने कल का मेरा पहला वीडियो देखा, कैसा लगा आप सबको? कमेंट क्यों नहीं किया? कैसे लगे हमारे कान्हा जी? अच्छा है ना गोकुलधाम मंदिर? बहुत ही आध्यात्मिक जगह है। और मैंने सोचा आज क्या बनाया जाए, तो मैं ना यूट्यूब का वीडियो चैनल बनाने में इतना बिजी थी कि मैं अपने बेटे के टाइम ही नहीं दे पाई। तो मेरे बेटे ने बोला, मम्मा आज तो संडे है, संडे स्पेशल में क्या बनाओगी? तो मैंने सोचा क्या बनाए, चलो आज तवा तंदूरी बनाते हैं, चिकन तवा तंदूरी बनाते हैं, चिकन तवा तंदूरी बनाते हैं। तो वो खुशी से झूम उठा। तो आज आप लोग देखिएगा चिकन तवा तंदूरी, देखिए। और से देखने के बाद आप लोग मत भूलिएगा, पता है ना क्या करना है? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑल्सो, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मैं जब भी आप लोगों के कमेंट्स पढ़ूंगी ना, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, इसीलिए बोलती हूँ कमेंट ज़रूर करना। और हाँ, सब्सक्राइब और शेयर भी, ठीक है? चलिए तो शुरू करते हैं आज तवा तंदूरी। तो हाफ किलो चिकन में 2 से 3 चम्मच दही डाल के रख देंगे। उसके बाद उसमें हम टर्मेरिक पाउडर 1 छोटा चम्मच, चिली पाउडर 1 छोटा चम्मच, गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून, चिकन मसाला 5 रुपीज़ का छोटा पैकेट आता है उसका 1/2 पैकेट, तंदूर मसाला भी 1 चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 5 रुपीज़ का आता है उसका 1/2 पैकेट, आप घर के बना हुआ भी डाल सकते हैं। ब्लैक पेपर 2 to 3 pinches, कलर पाउडर भी 1 टीस्पून डालिएगा, उससे कलर अच्छा आता है तंदूरी का। और नमक स्वाद अनुसार। उसके बाद 2 टेबलस्पून ऑयल, ऑयल हम उस पर डाल देंगे तो जब फ्राई होगा तो कम तेल लगेगा उसे। अब हम उसे हाथ से मिक्स करके अच्छे से मिक्स करेंगे तो मसाला चिकन के अंदर तक जाएगा और मैरिनेट होगा, और उसे हम 1/2 आवर के लिए छोड़ देंगे। हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका है। अब उसमें हम थोड़ा सा राइस पाउडर या कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, उसे मिक्स कर देंगे और तवा गरम करने के लिए रख के उस पर 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। जब तवा गरम हो जाए तो उसमें सारे चिकन पीसेस को हम रख देंगे। चिकन स्लो में फ्राई होगा, हाई में डालिएगा फिर स्लो कर दीजिएगा। अब चिकन थोड़ा सा स्लो में ही उसे फ्राई होने दीजिए। थोड़ी थोड़ी देर बाद उसे पलटते रहिए और थोड़ा थोड़ा सा ही ऑयल डालिए, ज़्यादा तेल नहीं लगेगा आपको आपका, बस थोड़ी थोड़ी देर। तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद उसे पहली बार पलटिए। देखा अभी कितना अच्छा कलर आया है? फिर से वैसे ही स्लो में ही होगा और 5 मिनट बाद फिर से हम पलटेंगे।
हम उसे जितना स्लो में कर होने देंगे वो अंदर से उतना अच्छा क्या कहते हैं मतलब अंदर से कच्चा नहीं होगा। तंदूरी होने हम तब तक सलाद के लिए प्रिपरेशन कर देंगे। तो करीबन 10 मिनट हो चुके हैं, मैंने 2 से 3 बार पलट दिया है, अभी थोड़ा होना बाकी है। अब तक चलिए सलाद में हम थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालेंगे और हाँ लेमन काट के रखा है मैंने साइड में, थोड़ा सॉल्ट भी ऐड करेंगे स्वाद अनुसार जो जितना नमक लेते हैं, और थोड़ा सा लेमन। लेमन सलाद में ऐड करने से अच्छा टेस्ट आता है। चलिए देखते हैं अब हमारा तंदूरी कहाँ तक पहुँचा है। हमारा तंदूरी तो बन के तैयार भी हो चुका है, मैंने स्विच ऑफ कर दिया। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना तवा से उतर कर, सो टेस्टी सुपर। तो कैसा लगा तवा तंदूरी, अच्छा है ना? आजकल ना लोग सिर्फ माइक्रोवेव में ही बनाते हैं या फिर जो फास्ट फूड सेंटर में जाके या बड़े बड़े होटल्स में जाके खाना पसंद करते हैं। एक तो फास्ट फूड सेंटर का बहुत ही मतलब हाइजीनिक नहीं होता, और होटल्स में तो इतना इतना रेंज होता है कि तो सब लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाते। तो घर पे बना के सब लोग फैमिली मिलके खाने का तो मज़ा ही कुछ और है ना। तो मैंने सोचा चीप एंड बेस्ट विथ हाइजीन एंड हेल्थ, हाइजीनिक फॉर हेल्थ, इन होम तवा तंदूरी। तो एक बार घर के बना के देखिए और टेस्ट करके बताइए कैसा बना है, ठीक है? तो मैं सबसे आखिर में क्या बोलती हूँ, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए, देखिएगा अगर पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट आल्सो फॉर मोटिवेशन फॉर मी। ओके बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।